हे hey एवरीवन तो कैसे हैं आप सब सो so, मान लीजिए आप एक न्यूज़पेपर एडिटर हैं तरह तरह के मुद्दों के बारे में आप यहाँ आर्टिकल पब्लिश करते हैं सोशल इश्यूज को आप पब्लिक के सामने यहाँ पोर्ट्रे करते हैं लेकिन सडनली एग्जिस्टेंस में आ जाती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट एक ऐसा ऑर्डर निकालती है जिसके अकॉर्डिंग आपके इसी न्यूज को बैन कर दिया जाता है तो क्या ये बैन जो कर रही है गवर्नमेंट वो आपके किसी फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंचमेंट है या नहीं सो आज का हमारा ये वीडियो कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करता है हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे वीडियो पूरा देखिएगा सो सबसे पहले इस केस का नाम डिस्कस कर लेते हैं आप देख सकते हैं रोमेश थापर वर्स स्टेट ऑफ मद्रास नाइन

अप्रोच करते हैं यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो और यह चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे तो कर दीजिए क्लिक सो so, रोमेश थापर कोर्ट के सामने कुछ चीजें स्पेसिफाई करते हैं जो हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है रोमेश कहते हैं कि फर्स्ट मार्च 1950 को मद्रास गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पब्लिश किया है अंडर मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डर एक्ट 1949 ये कॉन्ट्रावेंशन में है आर्टिकल ए के मतलब ये ऑर्डर वायलेट करता है आर्टिकल नाइनटीन ए को देखिए अगर आप नहीं जानते तो आर्टिकल नाइनटीन ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक सिटीजन को यह राइट है कि

क्लॉस टू देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी चीज एक बार आर्टिकल नाइनटीन क्लॉस टू में फॉल कर जाती है तो वो चीज वो एक्सप्रेशन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है आर्टिकल 19 क्लॉज वन में जितने भी राइट्स दिए गए हैं उन पे क्योंकि अगर ये पब्लिक सेफ्टी का एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज टू में फॉल कर जाता है तो इसी चीज के अकॉर्डिंग क्रॉस रोड पे बैन लगाना सही माना जाएगा लेकिन क्या सही में ये पब्लिक सेफ्टी का एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज टू में फॉल करेगा चलिए आगे जानते हैं इस चीज के बारे में सो पब्लिक सेफ्टी का एक्सप्रेशन आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज टू में फॉल करेगा या नहीं उससे पहले स्टेट ऑफ मद्रास ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं रोमेश

इस एक एग्जांपल से समझाता हूं मान लीजिए कोई न्यूज़ एजेंसी है उसने सेवरल आर्टिकल्स तो पब्लिश कर दिए लेकिन वो लोगों के बीच उन्हें सर्कुलेट नहीं कर पाई तो उस पब्लिकेशन का फायदा क्या उन आर्टिकल्स को पब्लिश करने का फायदा क्या जब वो लोगों तक ही नहीं पहुंच पाएंगे जब उन आर्टिकल्स का सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां मेंशन करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जब तक कोई लॉ रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और वो लॉ डायरेक्टेड रहेगा सोली अगेंस्ट द अंडरमाइनिंग ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट तब तक वो लॉ फॉल नहीं करेगा अंडर नाइनटीन क्लास टू में सो so अगर आर्टिकल नाइनटीन क्लास टू के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल नाइनटीन क्लास टू सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी लॉ है उसे बनाया गया है इंडिया की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तो वो लॉ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है आर्टिकल 19 के राइट्स पे फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ मेंशन करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो सेक्शन 91 ए ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 है ये सेक्शन रेस्ट्रिक्ट करता है सर्कुलेशन जो इस केस में था क्रॉस रोड सर्कुलेशन और इसके पीछे का परपज सिंपली पब्लिक सेफ्टी और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है लेकिन ये ऑर्डर आउटसाइड द स्कोप है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के परस्पेक्टिव से मतलब ये ऑर्डर जो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने पब्लिश किया है ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में कवर नहीं होगा और जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था कोई चीज अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में फॉल नहीं करती तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज नहीं कर सकती आर्टिकल नाइनटीन के राइट्स पे जो इस केस में था बैन जो कि इंपोज कर दिया गया था क्रॉस रोड पे सो so, जब ये ऑर्डर आर्टिकल नाइनटीन क्लॉज टू में कवर नहीं होता तो इसके अकॉर्डिंग ही ये ऑर्डर यहां बैन भी इंपोज नहीं कर सकता क्योंकि वो चीज सीधा सीधा वायलेट करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सो फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कंटेक्स्ट कि जो ऑर्डर फर्स्ट मार्च 1950 को अंडर मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 में मद्रास गवर्नमेंट ने यहां पब्लिश किया था उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं वॉइड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कंटेक्ट में करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यह कहते हैं कि एक पर्सन अगर चाहे तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को जरूरी नहीं है कि पहले हाई कोर्ट को ही अप्रोच करना है जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया ही था कि स्टेट ऑफ मद्रास ने यह ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो पेटिशनर है उन्होंने प्रॉपर प्रोसीजर यार फॉलो नहीं किया और वो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर देते हैं ऑनरेबल तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे क्लैरिटी देते हुए ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर एक पर्सन चाहे तो वो आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटीशन डाल के सीधा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है इस चीज पे भी क्लैरिटी दे देते हैं यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और फाइनली इस केस में सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर और गारंटियर बताया जाता है फंडामेंटल राइट्स का देखिए आज का केस हमारे लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमारे सामने रखता है सो so, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस इंफॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी हैव अ ग्रेट डे